आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल और आज की बड़ी खबर में उन सभी खबरों पर चर्चा की जाएगी जो टीजर्स में आप देख रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जय भवानी, रोज की तरह जान लेते हैं कुछ सुविचार और करंट अफेयर्स, उसके बाद वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से प्यार करो। अगर हो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसका तुझे इंतजार है, बस खुद पर भरोसा और वक्त पर एतबार करो। तो चलिए देख लेते हैं आज की जो है करंट अफेयर्स आगामी परीक्षा में से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन बताए जाते हैं पर डे की मॉर्निंग की वीडियो में खबरों के साथ, उसको जरूर नोट डाउन करते चले। परीक्षा में आपको हर हाल में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। पूछा जा सकता है आपसे आगामी परीक्षा में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया, तो याद रखिएगा सतीश कुमार को नियुक्त किया गया रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ। वही एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि अगस्त 2024 के दौरान किस राज्य सरकार द्वारा नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी गई, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है ये निर्णय लिया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है परीक्षाओं के लिए से बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन करिएगा कि 17वीं भारत इसराइल विदेश कार्यालय परामर्श की बैठक कहाँ पे हाल ही में आयोजित हुई है, तो याद रखिएगा नई दिल्ली में। कुछ नियुक्ति के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया, तो याद रखिएगा उनका नाम है बी श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। और 8वां पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा, तो याद रखिएगा उसका आयोजन चीन में होगा। चलिए देख लेते हैं आज की बड़ी खबर। तो खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले रोज की तरह वही चीज है, सब्सक्राइब लाइक शेयर साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ऐसी वीडियो जब भी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को सबसे पहले मिलेगा। आज की खबरों की शुरुआत करते, पहली खबर है 2 साल में 2 लाख नौकरी देंगे योगी, ऐसी खबर है आज के समाचार पत्रों में। कहीं कुछ देर नहीं हो गई, इस तरह के डिसीजन पहले भी लिए जा सकते थे तो शायद सीटें अच्छी खासी लोकसभा में आती। वैसे भी अभी भी आयोग की कार्य प्रणाली चाहे यूपी ट्रिपल एससी नई शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा की तस पड़ी हुई, जो कि प्रतियोगी छात्रों को बिल्कुल भी नाकामार साबित हो रही है। तो पूरी खबर देखते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को 2 साल में 2 लाख नौकरियां देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इनमें से 1 लाख नौजवान पुलिस में भर्ती किए जाएंगे, वहीं 20% बेटियां भर्ती होंगी जो शहीदों का उपचार करेंगे। योगी सियासी परिसर में 725 करोड़ रुपए की योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने युवाओं को लैपटॉप, स्मार्टफोन और नियुक्ति पत्र भी बांटे। कांग्रेस और सपा पर हमलावर मुख्यमंत्री ने कहा कि लाल इमली कांग्रेस के भ्रष्टाचार का स्मारक है। ये है कानपुर में स्थित, उसी के बारे में जो है मुख्यमंत्री जी ये चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वही अगली खबर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीकॉम का पहला कटाप जारी, आज से प्रवेश होगा। बात हो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बीए एलएलबी और 5 वर्षीय बीएससी एमएससी परिवार एवं समुदाय विज्ञान के बाद गुरुवार को बीकॉम प्रथम वर्ष में प्रवेश की घोषणा कर दी है। वहीं बीकॉम के लिए कटाप जारी करने के साथ ही सीट आवंटन काउंसलिंग प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी है। बीकॉम का अनारक्षित श्रेणी का कटाप गया 419 अंक तय किया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कैंपस में बीकॉम पाठ्यक्रम की कुल 723 सीटें हैं। प्रवेश की घोषणा के साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि बीकॉम प्रवेश के लिए पंजीकृत छात्रों के लिए संयुक्त स्नातक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होंगी। योग्यता की गणना के लिए एक भाषा हिंदी या अंग्रेजी या डोमेन विषय अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग और सामान्य परीक्षा सीयूटी अंकों की गणना की गई है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर है संघ लोक सेवा आयोग से परीक्षाओं में आधार से होगा अभ्यर्थियों का सत्यापन। कार्मिक मंत्रालय ने कहा आयोग की आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का पालन करना होगा। केंद्र सरकार ने बुधवार को संघ लोक सेवा आयोग को पंजीकरण के समय परीक्षाओं और भर्ती के विभिन्न चरणों के दौरान स्वैच्छिक आधार पर अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित करने के लिए आधार से प्रमाणीकरण की अनुमति दी है। सरकार का यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि आयोग ने पिछले महीने प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी रद्द कर दी थी और सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी करने के लिए उन्हें भविष्य की सभी परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया था। खेड़कर ने दिव्यांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी नॉन क्रिमिलियर कोटा का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है। यूपीएससी ने जुलाई में खेड़कर के खिलाफ कई कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें फर्जी पहचान के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने के लिए उनके खिलाफ जालसाजी का भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इसको लेकर के अधिसूचना में कार्मिक मंत्रालय ने कहा कि यूपीएससी को 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण के समय और परीक्षा भर्ती परीक्षा के विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों की पहचान के सत्यापन के लिए स्वैच्छिक आधार प्रमाणीकरण करने की अनुमति है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। अगली खबर है उत्तर प्रदेश अन्न सेवा चयन आयोग की तरफ से, जो है जैसा कि पहले ही आपको खबरों में बताया गया था परिणाम कल संभवतः देखने को मिल सकता है, तो वन रक्षक का परिणाम आपको देखने को कल मिल गया होगा। यूपी ट्रिपल एससी ने जारी कर दिया, 655 पद जो रिक्त थे उसके सापेक्ष 647 अभ्यर्थियों का है हुआ चयन वन रक्षक की भर्ती परीक्षाओं में। अब यूपी ट्रिपल एससी से अगला कदम जो है वो वीडियो रिजल्ट जारी करने को लेकर टेंटेटिव आपको मैक्सिमम ट्यूजडे तक जो है वो भी रिजल्ट जो डिलीवर कर दिया जाएगा। जो है यूपी ट्रिपल एससी की संभावना पूरी है, अगर तेजी होगी तो आज भी कर सकते हैं क्योंकि वक्त तो आज भी है, लेकिन कुल मिला के आपको मैक्सिमम डिटेल इसलिए बताई जाती है खबरों में जो है कहीं इधर से उधर आप लोग कमेंट करने लगते हैं, तो इस चीज़ को जान लीजिए क्योंकि कोई भी कार्यप्रणाली जो होती है वो तेजी के साथ नहीं होती, तो आयोग में जो भी कुछ अपडेट होता है उसके बारे में ही आपको बताया
जाता है चैनल पे, तो कुल मिलाकर वीडियो का परिणाम जो है एटलीस्ट आपको ट्यूजडे तक देखने को मिल सकता है, उसके पहले भी जारी कर सकता है यूपी ट्रिपल एससी से। और अगर खबरों की बात करें तो भर्ती जो देखने को मिलेगी, लोअर के विज्ञापन जो है वो जल्द देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में आपके क्वेश्चन, तो उसके बारे में आपको बताते हैं कि लोअर का विज्ञापन जल्द देखने को मिलेगा। बाकी बीपीओ की परीक्षा जो होगी वो आपको टेंटेटिव माह बता रहे हैं, नवंबर माह में उस परीक्षा का आयोजन जो है यूपी ट्रिपल एससी करा सकता है, अभी तक की तैयारी में यही कहा जाएगा। बाकी की नए अध्यक्ष के आने के बाद यदि उसमें कोई परिवर्तन होगा तो उसके भी अपडेट आपको चैनल पर दे दी जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है बेल आइकन को भी प्रेस किए रहें। बाकी कुछ और खबरें देख लेते हैं। अगली खबर है शिक्षकों की समायोजन सूची जारी, आपत्ति की समय सीमा में मनमानी, परिषदीय शिक्षकों के विरोध के बाद 2 सितंबर तक आपत्ति लेने का निर्देश दिया गया है। और बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की समायोजन सूची जारी कर दी, लेकिन अलग अलग जिलों में इसके लिए कहीं एक दिन तो कहीं दो दिन भी आपत्ति दर्ज कराने की समय सीमा तय कर मनमानी की गई। इस पर शिक्षकों के विरोध के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने सचिव ने बृहस्पतिवार को नया समय तय कर दिया। वहीं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर प्रोविजन को लेकर के जो है वो नोटिस देखने को मिल सकती है 7 या 8 तारीख, तो सितंबर माह के फर्स्ट वीक में उस नोटिस को भी जारी कर दिया जाएगा। बाकी के कार्यक्रम के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहें। बात कर लेते इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी विज्ञापन सितंबर माह में आपको लास्ट वीक तक देखने को मिल सकता है, पूरी संभावना सितंबर के लास्ट वीक में ये विज्ञापन आ जाएगा जो जानकारी प्राप्त करें। बाकी कौन क्या कहता है इसमें नहीं, लेकिन जो भी खबरें आपको यहाँ से डिलीवर की जाती है वो ऑथेंटिक होती हैं, तो मे बी जो है ये सितंबर के लास्ट तक जो है एएचसी का जो विज्ञापन वो जारी हो सकता है समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी का। यूपी टेट के लिए संभावित मैं आपको बता दें कि नवंबर माह तक यूपी टेट का भी विज्ञापन जारी हो सकता है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो जानकारी मिल रही है इसको लेकर के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में सुगुगाहट है कि यूपी टेट का विज्ञापन जो है नवंबर में जारी किया जाए, टेंटेटिव जो है फरवरी मार्च के बाद ही जो विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात हो रही है। वहीं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के बहुत ही कम समय आपको मिलेगा, इसलिए तैयारी करते रहें, कोई क्या कहता है इस भ्रम में मत रहें, क्योंकि परीक्षाओं का आयोजन करने की तैयारी शासन और आयोग में यही चर्चा है कि इसी वर्ष जो है इस परीक्षा का आयोजन करा के अगले वर्ष नई विज्ञप्ति जो है जारी की जाए, जो भी कुछ 15 से 20 हजार पद खाली हैं उसको लेकर के नया विज्ञापन देखने को मिलेगा। पेंडिंग जो 2022 में फॉर्म पड़े थे उसकी परीक्षा कराने की बात हो रही है, जो कि टेंटेटिव आपको दिसंबर के पहले ही इस परीक्षा का आयोजन कराने के लिए जो है आपका टाइम टेबल जारी होगा, उसमें देखने को डेट मिल सकती है जो जानकारी प्राप्त हो रही है। तो इस खबर में टीजर्स में दिख रही सारी खबरों पर आपसे चर्चा की गई। एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक का विज्ञापन जो है वो भी जल्द ही देखने को मिलेगा, जो जानकारी मिलेगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक का विज्ञापन जारी करने वाला है, जिसमें थोड़ा सा ही वक्त लगेगा, लेकिन कुल मिला के जान लीजिए कि एक का विज्ञापन आने के बाद जो है एलटी जेआईसी और बीओ के विज्ञापन की प्राथमिकता रहेगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। आगे इसमें क्या परिवर्तन होता है उसकी भी अपडेट आपको चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी, इसलिए इन तमाम तरह की खबरों से ताल्लुक रखने वाले सारे एस्पिरेंट चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में स्टेट और बिहार से लेकर के कोई न्यूज इसलिए अब नहीं डालेगी क्योंकि इसकी कंप्लीट वीडियो स्टेट 1 स्टेट 2 बीपीएससी तैयारी 3 बीपीएससी तैयारी 4 कब नोटिफिकेशन आएगा कब रिजल्ट आएगा इसकी इन्फॉर्मेशन की वीडियो अपलोड कर दी गई है, वो वीडियो आपको चैनल पर देखने को, तो उसको जाकर जरूर एक बार देख लें और उसी अनुसार अपनी तैयारी करें, कब विज्ञापन आएगा सारी खबरें उसमें अपडेट बता दी गई है। इन तमाम तरह की खबरों के साथ इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर के साथ एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर।